चलिए मैं आपको कट करके बताती हूँ, देखिए कैसा परफेक्टली सेट हुआ है और बहुत ही इजी बनता है, किड्स को बहुत पसंद होता है, आप ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैदराबादी फूड हब। आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही सिंपल डेजर्ट की रेसिपी जो सिर्फ आधे लीटर दूध से बन जाती है और ज़्यादा कुछ इन्ग्रीडियंट्स नहीं लगते और बहुत ही मज़ेदार बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पर पैन ले लिया है मैंने पॉट, इसमें हम ऐड करेंगे 3/4 ग्लास वाटर और इसमें मैं डालूँगी अगर अगर स्ट्रिप्स या जिसे चाइना ग्रास भी कहते हैं, अप्रॉक्सीमेट 8 ग्राम। हाफ लीटर मिल्क के लिए बना रहे हैं हम, तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से ये मैंने 8 ग्राम लिया है। इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह हम पानी में भिगा कर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, हमने जो चाइना ग्रास भिगा के रखी थी अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये स्ट्रिप्स कम्प्लीटली डिजॉल्व ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पे इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे स्ट्रिप्स डिजॉल्व होने तक। देखिए एग्जैक्ट 5 मिनट्स हुए हैं और आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया है। चलिए मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। चलिए नेक्स्ट हम 1/2 लीटर मिल्क ऐड करेंगे और इसे बॉयल आने देंगे और बॉयल आने के बाद इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। दूध बॉईल हो रहा है, अब गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। दूध अच्छे से गर्म होना चाहिए वरना जब आप चाइना ग्रास इसमें ऐड करेंगे तो दूध फट जाएगा, तो आप मेक श्योर करें कि दूध अच्छे से बॉईल हो। साथ ही इसमें ऐड करेंगे एक इलायची, इस तरह से आप इसे खोल के ऐड कर दें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और शुगर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। चलिए इसे इसी तरह 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए दूध बॉईल हो चुका है और 5 मिनट्स के लिए हमने इसे लो फ्लेम पे भी पका दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चाइना ग्रास और इसे मिक्स करते रहेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। शक्कर आप टेस्ट करके आपके हिसाब से ऐड। ये देखिए अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। शुगर हम कम ऐड करेंगे, आप बाद में टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे हम जिससे इसकी मिठास बढ़ जाएगी। बस इसे थोड़ा सा ल्यूकवार्म होने देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ और इसे थोड़ा कुनकुना होने के बाद हम इसमें एक इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। ये देखिए 6 टीस्पून रूह अफ़ज़ा के हमने अलग से निकाली है, इसीलिए हमने शक्कर कम ऐड की है, ये हम ऐड करेंगे। ये देखिए ल्यूकवार्म हो गया है मिल्क, अब हम इसमें ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा 5 to 6 टीस्पून, जितना आप मीठा खाते हैं, और इससे कलर और टेस्ट दोनों एनहांस होंगे। चलिए इसे डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा स्ट्रॉबेरी टेक्सचर आ गया है इसका, आप इसी पॉइंट पे इसे टेस्ट कर लें और फिर इसे हम कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने टेस्ट किया है, मिठास थोड़ी कम थी तो मैंने इसमें शुगर ऐड की है 4 टीस्पून के करीब। इन टोटल मैंने 6 टीस्पून शुगर ऐड की है। ये ल्यूकवार्म है तो शुगर इसमें मेल्ट हो जाएगी, आप भी टेस्ट करके इसमें शुगर ऐड करें। चलिए इसे कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे और 1/2 आवर इसी तरह रख देंगे इसे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। हाफ एन आवर के लिए आप इसे इसी तरह बाहर रखेंगे सेट। ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है, अब आप थोड़े से इसमें नट्स ऐड करें अपनी पसंद के। मैंने पिस्ता को स्लाइस करके ऐड किया है, थोड़ा सा ज़ाफरान ऐड करेंगे सेंटर में। चलिए इसे कवर करते हैं और रेफ्रिजरेट करेंगे 2 से 3 घंटों के लिए। चलिए 2 घंटे हो गए हैं और अच्छे से चिल्ड हो गई है ये। अब आप इसे इस तरह से साइड्स हम इसके फ्री कर लेंगे ताकि हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लें। ये देखिए कैसी परफेक्ट सेट हो गई है, चलिए इसे सर्व करेंगे। ये देखिए रेडी हो गई है हमारी फाइनल डिश, टेस्टी इजी
चाइना ग्रास जो हमने हाफ लीटर मिल्क से बनाई है, बहुत ही आसानी से बनती है और एकदम सॉफ्ट और टेस्टी होती है। आप ज़रूर ट्राई करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए फ्रेंड्स रिलेटिव्स में। देखते रहिए हैदराबादी फूड अप। थैंक यू एवरीवन।